Hello everyone, so very warm good evening once again to all my dear students. I'm Anupriya, your social science educator, and I welcome you all to our channel that is Just 9th and 10th, one stop solution for all the students who are studying in classes 9th and 10th. So yahan par bachcho party fatafat sare bacche session mein aa jao, kafi important session hai aaj. To ye hamara AMA session hai, that is ask me anything. Aap bachcho ko maine google form diya tha so that you can ask and put out all your doubts there. Jo bachche join nahi kar pate pehle, wo google form pe agar bharenge to jaldi session mein aa jayenge. To yahan par jaise hi maine google bola, yahan par apna google baba khul chuka hai. Anyways, to fatafat sabse pehla kaam hai ki sare bachche apne doston ke sath ye link share karo. आपके सारे फ्रेंड्स इधर सेशन में आने चाहिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए. एंड में काफ़ी फन मेंटी क्विज होगा जिससे आपका थोड़ा जनरल नॉलेज है ना दुनिया को लेके, देश को लेके, थोड़ा आपका और बढ़ेगा. पहले मैं हेलो हाई कर लेती हूँ सारे बच्चों के साथ. हेलो आयशा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बहुत सारे चैट्स हैं यहाँ पर, ओ माय गॉड. हाय शुभांगना, हेलो आकाश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाय रौनित, गुड इवनिंग. हेलो सम्यक, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग. हेलो श्रेया, गुड इवनिंग. हाँ भाई, हेलो मैम, हेलो आकाश, गुड इवनिंग. अरे फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई. हाय निहारिका, गुड इवनिंग. फटाफट एवरीवन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. हाय रौनित, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग. तो जिन बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे आज सारे डाउट्स, और ऑब्वियसली तीन सेक्शन था अपना. पहला था कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप पूछ लो. दूसरा सेक्शन अपना था जिसमें कि आप मुझसे, हाँ आप मुझे सजेशंस दो कि आपको कोई नई सीरीज चाहिए जिसको हम लोग वन मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं. उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं. और जो लास्ट था वो काफ़ी बढ़िया पार्ट है जिसमें सारे बच्चों के साथ, यहाँ पर जितने बच्चों ने वहाँ पर लिखा है, तो हम लोग गेस करेंगे कौन सी सिटी है. ठीक है, एक दो का आंसर तो मुझे भी नहीं पता. हेलो हाई टप्पू, गुड इवनिंग. हाय अयान, गुड इवनिंग. हाय अभिषेक, गुड इवनिंग बच्चा. हाय उत्कर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग उत्कर्ष. बिल्कुल मुझे आप याद हो, वेरी गुड. हाय निहारिका, आपने मेरे एसएसटी के मार्क्स देखे. बिल्कुल निहारिका, आई क्लैप फॉर यू एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, वेरी गुड बच्चा. सो यहाँ पर फटाफट दीपक, हाय गुड इवनिंग बच्चा. जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को थोड़ा इन्वाइट करो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए. हाय शिवांगी, गुड इवनिंग बच्चा. वंस अगेन अनु मैम आज बार बार प्रकट हो जा रही है, लेकिन ये अपना थोड़ा फन वाला सेशन है, थोड़ा माहौल अपना लाइट करेंगे आज. तो बहुत सारे नए बच्चे जो सेशन में आ रहे हैं, जो पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, उनके लिए छोटू सा इंट्रोडक्शन है भाई. आई एम अनुप्रिया, योर सोशल साइंस एडुकेटर हियर. सो आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम राउंड हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एंड द नंबर्स आर स्टिल इंक्रीजिंग थैंक्स टू यू गाइस. जो आप अपने सारे फ्रेंड्स को अभी बुलाकर, अपना टारगेट है भाई 40+ तो लाइव व्यूज हो जाने चाहिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए अनु मैम को. अपने सारे दोस्तों के साथ लिंक अभी तुरंत शेयर करते जाओ, सेशन को लाइक करते जाओ. आई हैव मोर देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन टीचिंग and I've co-authored 2 books on subject history for classes 9th and 10th. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं इस्तेमाल किया ना ask a doubt वाला फीचर, फटाफट इस्तेमाल करो भाई. किसके लिए वेट कर रहे हो? 31st मार्च तक, आज यानी कि आज, टुडे इज द लास्ट डे जिसमें आपको अन अकेडमी का एक महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 मिलेगा. आपको कुछ नहीं करना है, 10 डाउट्स पूछने हैं, और वहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो APRI10. कितने बच्चों ने पूछ लिया है वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताते जाओ. और यहाँ पर देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई. जिन बच्चों ने अभी तक अपना सोशल साइंस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मैन्युअली उधर सर्च करो, कैपिटल लेटर में लिख दिया है, यहां पर देख लो फीनिक्स सोशल फॉस्टर, दैट इज द टेलीग्राम चैनल दैट ईच एंड एवरीवन ऑफ यू हैव टू ज्वाइन. हाय निहारिका, बट मेरी सिक्स, ये क्या बात हो रही है? जिन बच्चों ने अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करो. अभी किस चीज का वेट कर रहे हो? आप फ्री कॉन्टेंट अनलॉक कर सकते हो मेरे कोड के साथ APRI10. सुबह से रात आपको ये बात बताती हूँ, अभी तक तो बच्चा पार्टी काफ़ी होनहार हो चुका है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा कोड कंठस्थ याद करके यूज़ भी कर रहे हो. ठीक है, जल्दी से. हाय नैंसी, गुड इवनिंग. हेलो अतुल्य, गुड इवनिंग. हेलो श्रेया, गुड इवनिंग. श्रेया श्रेया, हैशटैग CC सीरीज वाले डाउट्स आपके आने वाले, 4 वाला अगला जो मेरा जो बनने वाला है वो आप ही के क्वेश्चंस के ऊपर है. आपने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो नेक्स्ट जो डाउट वाला सेशन बनना था वो आपके क्वेश्चन का बनना था. अभी बहुत सारे बच्चों का बनना बाकी है, आप टेंशन नहीं लो, एक भी क्वेश्चन मैं इधर गवारा नहीं करने दूंगी. यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स, आइकॉनिक के बेनिफिट्स आप देख लो, प्लस के साथ साथ पर्सनल मेंटर और लाइव डॉट सॉल्यूशन मिलेगा. तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ जिन बच्चों ने इधर प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है और मेरा कोड यूज किया है. तो फटाफट जल्दी से बताओ, कोड यूज करना मत भूलना, कंठस्थ याद करना है. ठीक है, एकदम चेन्नई एक्सप्रेस की तरह कोड याद कर लो. अभी बचाओ सारे बच्चे, इधर फाइनली
जल्दी से हाय एम्ब्रोज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओहो मैम, डू यू रिमेम्बर मी, आई यूज्ड टू कम हियर सम टाइम। हाँ फ्रैगनेंस, फ्रैगनेंस हाँ, नाम तो मुझे याद है, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो अभी, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। हाँ भाई, सारे बच्चों को मैं याद रखती हूँ। मैम मुझे वापस से फ्री सब्सक्रिप्शन, अरे सम्यक आपने मेरा कोड यूज़ किया था बच्चे। हाय पल्लवी, गुड इवनिंग, सारे बच्चे मेरा कोड यूज़ कर लो। हाय सचिन, गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से बच्चा लोग जल्दी से। हाय पल्लवी, गुड इवनिंग। अभी देखो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स इधर पूछे थे। हेलो 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 एवरीवन, हाउ टू लर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट मिल्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड हाउ टू लर्न पर कैपिटा इनकम वैल्यू। अच्छा डिफरेंट मिल्स के बारे में श्रेया बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसीलिए तो ये आपके एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा वाला क्वेश्चन मिल का जो पार्ट है ना, मैप के लिए आपका टेक्सटाइल वाले पार्ट में थोड़ा स्टेट आपको पढ़ना होगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं डाउट्स आपको बताना चाहती हूँ। पहला वाला जो डाउट है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ किस बच्चे ने ये डाउट पूछा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैम आप इतने पढ़ाकू, आपके इतने पढ़ाकू होने का राज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन टप्पू ने पूछा है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? क्योंकि उन्होंने उटपटांग नाम रखना शुरू कर दिया था, तो ऐसा मुझे, मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये टप्पू ने क्वेश्चन पूछा है। और मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं हूँ, मैं आप बच्चों के लिए पढ़ाकू बन गई हूँ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है किसी बच्चे का, मैंने उसको आंसर कर दिया है। जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछना है जल्दी से, मैम मेरा नेम खुशी है, मैंने आपको, ओ सॉरी खुशी, सॉरी सॉरी सॉरी, आप अनु मैम को माफ़ कर दो, अब मैं आपका नाम नहीं भूलूंगी। बहुत डर लग रहा है साई, ऐसा क्या हो गया? अच्छा कोर्ट जैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं आया था। ओके ओके ओके, हाँ एम्ब्रोज ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया है, देख लिया है। हाउ टू लर्न हिस्ट्री डेट्स, इट विल बी प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा ठीक है श्रेया, मैं आपको बताती हूँ एंड में। मैंने इनफैक्ट जब देखो मैप का जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएगा, नहीं तो बेस्ट है कि टेबल बनाओ, उससे बढ़िया तरीका कुछ और नहीं है। जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे, जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, सीधे आप उसको शॉर्ट करो माइंड मैप, नहीं तो टेबल बना के। बार बार मैं इसीलिए बोलती हूँ माइंड मैप बनाने की प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है? तो टेबल बना के उसे याद करना पड़ेगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, ये मुझे लगता है साई ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम मुझे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है डिटेल में और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर मैं एक बार वापस से वन शॉट में कराऊंगी, लेकिन साई मैंने लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर है ना वो वन शॉट में करा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको वन शॉट वीडियो में ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर साई का मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन मुझे लगता है अर्चना ने पूछा था, ये क्वेश्चन अर्चना ने पूछा है क्लास 9 का ACSE। मैम आई हैव नॉट स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। ओहो हो अच्छा, किस बच्चे ने नहीं किया है? हाय काजल, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हाँ हाँ एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट, वो क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ आकाश, टेंशन नहीं लो। अरे APRI 10 है, ANUI 10 नहीं है, कुछ भी मतलब अभिषेक यार। आकाश आपके क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ एक बार बीच में, ठीक है? तो यहाँ पर अर्चना ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम व्हाट डिफरेंस इमर्ज्ड। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है क्या? जिसने भी नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है, और बच्चा पार्टी अपना जो लाइव व्यूज है वो 40 प्लस जाना चाहिए, लाइव वॉचिंग 40 प्लस जाना चाहिए। फटाफट अपने सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाओ यार। अतुल स्पैमिंग ना करो यार, इनसेन गेमिंग स्पैमिंग नहीं करो, फटाफट सारे बच्चे आंसर करो। व्हाट डिफरेंस इमर्ज्ड इन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स, किसी बच्चे को इसका आंसर बताएं। स्टॉप स्पैमिंग गाइज, दिस इज आस्क मी एनीथिंग वेयर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, सो यू शुड नॉट बी स्पैमिंग एट दिस मोमेंट बिकॉज आई एम लुकिंग एट द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ। मैम आपको किस सब्जेक्ट में डंडे पढ़ते थे? यार मुझे ना एक बार संस्कृत में मैंने 4 गलतियां की थी। मैंने आप बच्चों को बोला था ना कि हम लोग मिशनरी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में, जैसे सम्यक के स्कूल में भी होता है कि नहीं, लेकिन जितने बच्चे भी कॉन्वेंट और मिशनरी क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ते होंगे ना, तो उनके साथ ये है, वहाँ की डिसिप्लिन काफ़ी यू नो बहुत कड़क होता है। तो हमारे जो फादर हुआ करते थे वो 4 गलतियों पे हमें खड़ा करते थे, मतलब कि हमारे टीचर वो इन्विजिलेटर आते थे। तो संस्कृत के पेपर में मुझे आज भी याद है, मुझे 100 में 96 आया था, मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चंस गलत हुए थे, ठीक है? वो छोटे मोटे मिस्टेक्स हुए थे और उस पर मुझे 15 स्टिक पड़ा था। फादर ने ऐसे
ऐसे करके 15 स्टिक्स लगाए और वो सारे बच्चों को पढ़ता था और हमें तो हाथ पे सोचो मतलब स्वेल कर गया था, मतलब दैट वाज ऑब्वियसली नॉट डन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ठीक है उसके बाद से बंद हो गया था. मैम क्लास 9th मूविंग टू 10th, राशि क्लास 9th के 10th के बच्चों के लिए ना कल आपका एक अमेजिंग सेशन है 3 o'clock पे, आपकी अनु मैम आपके लिए सुपर डुपर अमेजिंग पॉइंट्स लेकर आ रही है. ठीक है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल वर नॉट गिवन टू मुस्लिम लीग. ओके, यहाँ पर सिर्फ श्रेया ने आंसर किया है. हाय रिया, गुड इवनिंग बच्चा, आपका पेपर कैसा रहा ये बताओ. अभी देखो यहाँ पर सिर्फ श्रेया ने आंसर किया और किसी बच्चे का मुझे आंसर नहीं देखा, तो अर्चना का जो क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर आंसर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ना पहले उनके आइडियाज थोड़े सेम थे, क्योंकि उनका जो नोशन था ना बच्चा लोग, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर समझ लो. कि जब हम लोग बात करते खिलाफत मूवमेंट की, लखनऊ पैक्ट की, तो वहां पर आपको पता है कि गांधी जी वॉज वर्किंग ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम सबको ही पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो इसके बाद 1930 में अपना जो मुस्लिम लीग थोड़ा और बढ़ने लगा, धीरे धीरे आइडियोलॉजीज में थोड़ा डिफरेंस आने लगा. क्या था भाई कि जब हम लोग मुस्लिम लीग की बात करते हैं ना, दे वर डिमांडिंग फॉर सेपरेट स्टेट, दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट, क्योंकि उनको पता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है दैट इज इन माइनॉरिटी, और यहाँ पर कांग्रेस जो थे वो फेवर करते थे हिंदूज को कहीं ना कहीं. ये पॉइंट भी सही है. तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से पॉलिटिकल ग्राउंड्स में यहाँ पर डिफरेंसेस आने लगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सनत का. सनत ने ये क्वेश्चन पूछा था जिसका आज मैंने आंसर कर दिया. अगर हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, फटाफट बच्चा पार्टी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताओ. नेशनलिज्म इन यूरोप में, यहाँ पर उनका क्वेश्चन थोड़ा ये है, मतलब कि यूनिफिकेशन इन जर्मनी अगर आएगा तो आप सभी बच्चों को पता है कि ऑटोमन बिस्मार्क लिखना है. यूनिफिकेशन ऑफ इटली आएगा तो आप सभी को पता है कि गिसिपी मज़ीनी, गिसिपी गैरिबाल्डी और काउंट कवोर के बारे में लिखना है. ठीक है, ये चारू का क्वेश्चन है जिन्होंने पूछा है ह्यूमन कैपिटल और कैपिटल का डेफिनेशन. फटाफट किसी भी बच्चे को पता है क्या जो 9th से क्लास 10th में गया है, जल्दी से. ओके, वेरी गुड रिया, वेरी गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, एनी आइडिया अबाउट दिस? राशि, नीट में ना आप बायो और मैथ्स के ऊपर सुपर फोकस रखो, क्योंकि देखो इन जनरल तो आपका सब कुछ आएगा, लेकिन नीट में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको इन दोनों चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करना है. तो मतलब आप 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा PCM भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हाँ बिल्कुल पता है ना, कैपिटल रेफर्स टू मनी, ऐसा निहारिका ने लिखा है. 98 बस मैम, क्या हो गया? अरे बच्चा लोग 40 प्लस लाइव व्यूज यार, ऐसे कैसे मैम क्लास में बच्चे ही नहीं बोलते हैं. से हेलो टू अमूल्या. अर्चना आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है बच्चे, यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना. मैथ्स, मुझे मैथ्स से बचना है मैम, आई हेट मैथ्स इसलिए बायो चाहिए. तो थोड़ा बहुत तो मैथ्स के क्वेश्चन आई गेस होते हैं यार नीट में, एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. देखो मेजर तो आपका बायो है, लेकिन थोड़ा तो आपका जनरल नॉलेज और ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन मैं चेक करके आपको बता सकती हूँ. ठीक है राशि, हाय बिंटी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अमूल्य मैम आपके 10th में 93, ये बार बार बच्चा लोग पूछते रहता है मुझसे. बच्चा लोग पार्टिसिपेशन कम नहीं, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए. हाय आदित्य, गुड इवनिंग. आकाश, बिल्कुल आकाश है यहाँ पे. इमरोज ने लिखा है ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पर चारू आपके क्वेश्चन का आंसर है. चारू तो ऐसे मुझे सेशन में नहीं दिख रही. तो कैपिटल की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर कैपिटल को एकदम सिंपलिस्टिक वे में समझो कि समथिंग दैट हैज वैल्यू, कि जिसका वैल्यू होता है ना उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, जिससे मनी जनरेट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में, अगर किसी फैक्ट्री में आप सारे रॉ मटेरियल्स लाके, मशीन्स लाके, उससे कुछ ना कुछ तो आप वैल्यू क्रिएट करोगे, कुछ ना कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे जिससे आपका मनी बनेगा, पैसे आएंगे. तो वैसी चीज़ हमारी कैपिटल के अंडर आती है. जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, हम लोग ऑर्डिनरी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में समझो कि नॉलेज और स्किल जो होता है ना, ये आपकी बेसिक चीज़ है. नॉलेज और स्किल्स जो है, इनको अक्यूमुलेट करके कोई भी इंसान अगर यहाँ पर कैपिटल जनरेट कर रहा है, वो हमारा टर्म कहलाता है ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है. ये सम्यक का क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा सम्यक ने. काफ़ी अलग लॉजिक से वो समझता है ऐसा मुझे फील हुआ. तो यहाँ पर कोई भी बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है क्या? पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा करेंसी भी तो प्रिंट कर सकती है, इससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी और एचडीआई रैंक भी बढ़ेगी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
ये क्वेश्चन देखो और मैं चाहती हूं कि कोई भी बच्चा यहां पर आंसर करो फटाफट फटाफट। ओ बच्चा लोग, हाँ मैम, हाउ टू मनी ऑफ वन ऑफ द कंट्री इज ग्रेटर देन अदर। क्योंकि देखो दीपक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहां की इकोनॉमी जितनी बड़ी है वहां जो मनी, जो बेसिक उनका वैल्यू है ना, वो वैल्यू रुपी का वैल्यू वो बढ़ते, सॉरी मनी का वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा जितनी इकोनॉमी बढ़िया हो रही है ना। तो डेवलप कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, आपको पता है डेवलप कंट्रीज इसीलिए है क्योंकि उनका जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो काफी बढ़िया है, तो इसीलिए वहां पर जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैम माई क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एंटायर पर्सनैलिटी प्लेट वाइटल रोल मैम सच एज जार निकोलस। अरे तो व्लादिमीर लेनिन का यहाँ पर क्या लेना देना है? नेशनलिज्म इन यूरोप में वो तो रेवोल्यूशन था ना। नो मैम, प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन पीयूष क्यों नहीं कर सकते? मैम वैल्यू और गिर जाएगी। अतुल्य ने लिखा है वैल्यू घट जाएगी करेंसी की। ठीक है, अभिषेक ने लिखा है वैल्यू ऑफ गुड्स लिखा है इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, निहारिका ने एकदम परफेक्ट टर्म लिख दिया है कि मैम जब हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, इसको हम लोग नहीं कर सकते, मनी का वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते या ज्यादा करेंसी नहीं बना सकते, दैट विल लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सम्यक, आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको एकदम सिंपल टर्म में बताती हूँ। मान लो कि हमारे कंट्री में करेंसी को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब कि मान लो 500 का नोट है वो बहुत ज़्यादा प्रिंट किए जा रहे, 1000 का नोट, 2000 का नोट प्रिंट किए जा रहे, लेकिन जो हमारे कंट्री में मान लो कि आलू का प्रोडक्शन हो रहा है या गुड्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो स्टैटिक है, लेकिन अपना जो करेंसी है ना वो अपना प्रिंट वैल्यू जो है बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्शन अपना कम है लेकिन करेंसी बढ़ते जा रहा है, फायदा क्या होगा भाई? लोगों के पास पैसे तो बहुत आ जाएंगे लेकिन भैया गुड्स तो यहाँ पर है नहीं। तो ये कंडीशन कहलाता है हाइपर इन्फ्लेशन का, मतलब प्राइसेस जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। दैट इज गोइंग टू लीड टू वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चों ने करेक्ट पॉइंट लिखा, करेंसी का वैल्यू भी आपका घटते जाएगा और साथ ही साथ आप देखो कि आपका जो पर कैपिटा इनकम एकदम उल्टा पड़ जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैंने सम्यक के क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। वेरी गुड जनरेशन, ओके वेरी गुड। मैम आप मेरा नहीं देखे, अरे साई आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया बच्चे, ये देखो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन आप ही का है, मुझे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है डिटेल में और ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पर लाइफलाइन वाला हमने वन शॉट कर लिया है बच्चे, एक बार वन शॉट वाले वीडियो में जाकर देखना साई। ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर मैं वापस से करूंगी, फिनिक्स सोशल फॉस्टर पे पढ़ाया था बट यहाँ पर वापस से करेंगे वन शॉट, ठीक है? तो वो वाला आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काउंटर प्लोइंग शीट इरोजन एंड गली इरोजन। ये किस बच्चे का क्वेश्चन था? ये मुझे लगता है किसका क्वेश्चन था, मैं भूल गई हूं, जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन किसका था? आंसर दिया था मैम, अच्छा यहां पर आंसर दिया था मैम, बाई ईच करेंसी इज कंपेयर्ड बाई डॉलर। बिंटी देखो यहां पर ना यूएस डॉलर में, मतलब सिर्फ यूएस डॉलर से कंपेयर नहीं किया जाता है, जब हम लोग बेसिकली क्या है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किधर से कितना हो रहा है, किस कंट्री के साथ आपका सबसे ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आप वैल्यू का थोड़ा एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज वैल्यू का उधर ही देखते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर से होता है कंपेयर। अभी यूएस अमेरिकन डॉलर्स आप देखोगे कि सब जगह आपका यूज़ होते रहता है, यूरो आपका यूरो डॉलर से, यहाँ पर पाउंड के बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं जब हम लोग यूरो की बात करते हैं, तो यहाँ पर हर जगह इसका वैल्यू यूरो का बहुत ही ज़्यादा है, डॉलर का फिर भी आपका स्टेबल है, थोड़ा कम है, ठीक है? तो इस कंडीशन में वैरी करता है बेस्ड ऑन की इकोनॉमी कैसी चल रही है, ओके? अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्टोर प्लोइंग शीट प्लोइंग, मैं भूल गई हूँ किस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था। मैम हम लोग का सेशन कल से, रिया कल से, कल 3 बजे आपका सेशन है। हाय श्रुति, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। अरे यार कौन सा बच्चा इधर स्पैमिंग कर रहा है, बंद करो स्पैमिंग यार। अभी देखो शीट इरोजन, इरोजन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द यूनिफॉर्म रिमूवल, मतलब कि शीट की तरह इरोजन क्या हो रहा है कि हम लोग लैंड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म रिमूवल होता है सॉइल का इन थिन लेयर्स बाय द फोर्सेस ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड ओवर लैंड फ्लो। तो यहाँ पर बेसिकली देखो शीट इरोजन क्या है, शीट क्या होता है, पतली सी शीट होती है पेपर वाली, उस हिसाब से सोचो ना कि अपना एक एकदम थिन लेयर जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, उसको हम लोग शीट इरोजन कहते हैं। जब हम लोग कॉन्टोर प्लोइंग की बात करते हैं सो दैट इज डन अलॉन्ग द कॉन्टोर्स, तो यहां पर आप देखो कि आपका जो कॉन्टर प्लोइंग, मतलब कि इस बेसिस पे थोड़ा टेरेस वाला फॉर्मेशन आपका होता है, यहां
पर गैप दिया जाता है और ऐसा जो आपका प्लोइंग होता है तो ये आपको मेनली प्लांटेशंस वाले एरिया में सबसे ज्यादा दिखेगा, दैट वी कॉल इट कॉल एज कॉन्टूर प्लोइंग। ठीक है, तो दिस इज डन टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन। तीसरा हमारा गली फॉर्मेशन है, सो दिस इज अ रेवन फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर। किसी भी लैंड पे आप देखोगे, कहीं भी अगर आप खुले मैदान में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मतलब कि दो मतलब पूरे लैंड में आपको एक गड्ढा जैसा दिखता है और अपना पानी यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे बहता रहता है, इसी को हम लोग गली फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये गली इरोजन होता है कि लैंड यहाँ से थोड़ा अपना हटा और ये पानी जो है मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से ये पतला सा पाथ अपना क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने क्लियर कर दिया है। अभी आकाश का भी क्वेश्चन था और वंश का ये क्वेश्चन था दैट हाउ टू लर्न नेम्स एंड डेट्स ऑन हिस्ट्री चैप्टर वन। तो मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि हमने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स ऑलरेडी कवर कर लिया है, सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड गो थ्रू दिस। मैंने ये पूरी सीरीज की है, आपसे ये मेंटी क्विज में भी पूछा है। यहाँ पर जब तक आप एक A4 साइज में इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द होल चैप्टर, यू हैव टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द होल चैप्टर, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेम्स एंड डेट्स। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा, लेकिन क्या है ना कि स्ट्रक्चर समझ गया ना चैप्टर का, कि नेशनलिज्म इन ऑफ यूरोप में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, फिर नेपोलियन के आने का पढ़ा, फिर थोड़ा ग्रीस के बारे में पढ़ा, अच्छा बीच में ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में ही पढ़ा था। तो ऐसे स्ट्रक्चर याद रखो ना, ये कहानी के बाद ये कहानी हुई, ये कहानी के बाद ये कहानी हुई, समझ के लॉजिकली पढ़ोगे तो सारे नेम्स और डेट्स आपको याद हो जाएंगे। इस चीज में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? हाय वंशिका, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हाँ आकाश, आपका क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट का। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन मैं पूछ करने वाली हूँ। मैम मेरा डाउट है कि आप इतना अच्छा क्यों और कैसे पढ़ाते हो, ये हमारी पुष्पांजलि ने क्वेश्चन पूछा है। पुष्पा सेशन में आई है कि नहीं, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। हाय श्रुति, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हाय अरुणांजलि, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय कनिका, अरे मेरा क्वेश्चन था, अरे सॉरी, वही तो मैं नाम भूल रही थी, सॉरी। कनिका का क्वेश्चन था भाई। कनिका आपको समझ में आ गया ना? जल्दी से बच्चों लोग जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन। ये स्पैमिंग जो कर रहा है ना, मैं मारूंगी। न्यू सेशन हमारा बिंटी कल से शुरू होने वाला है, कल 3 बजे। पुष्पा का है। हाँ भाई पुष्पा, दूसरे क्वेश्चंस भी लो। ठीक है। फेडरलिज्म का वन शॉट रिवीजन हो चुका है, मैंने 3-3.5 घंटे आपको कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, पता नहीं कब पढ़ाया था, अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को क्लियर हो गया ना। अतुल्य, लो मैंने आपका नाम ले लिया, मतलब मारूंगी ना। वन शॉट रिविजन मैंने इसका करा दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे का कि मैम हाउ टू यूटिलाइज द टाइम इन बिटवीन एग्जाम्स। अभी इन बिटवीन एग्जाम्स वाला क्वेश्चन किसने पूछा है, फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बताओ ये क्वेश्चन किसने पूछा है। जल्दी से मैम, दौत के अलावा दूसरा क्वेश्चन भी लू फॉर्म वाला। हाँ बिल्कुल ले रही हूँ मैम, एक सजेशन भी दिया था। हाँ कनिका, भी सजेशन वाले पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, सजेशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं। ये बताओ ये किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा बिंडी, आपका नाम वसुकी है, बड़ा क्या बहुत ही क्यूट नेम है यार, वेरी गुड यार, वसुकी काफी यूनिक नेम है। मैम ये सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। टप्पू आपके, हाउ टू लर्न एग्रीकल्चर चैप्टर। इमरोज मैंने एग्रीकल्चर चैप्टर के लिए बच्चों को सिखाया था और बच्चों को चैलेंज दिया था कि 8-9 पेज में मैक्सिमम नोट्स बना दो। तो इस चैप्टर का ना नोट मेकिंग वाला पार्ट आपको मैंने बताया है, वन शॉट में आप बच्चों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर एक बार आप वो सेशन देखना। और यहाँ पर इफिशियंट क्या है ना कि आपको टाइप्स ऑफ सॉइल्स के ऊपर फोकस करना है, सॉरी एग्रीकल्चर है, टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर कम। यहाँ पर आपको क्रॉप्स के ऊपर फोकस करना है। सीधे टेबल बनाओ पूरा, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स का एकदम कंप्लीट टेबल बनाओ। सारे क्रॉप्स का लिस्ट लिखो, क्या फीचर्स है, कौन से सीजन में है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, सब कुछ करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप तुरंत इस चैप्टर को याद रख लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पूरा टेबल बनाओ। 27 लाइक्स, क्या क्या बात है, थैंक यू कनिका, वसुकी चान। हाय चारू, आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया बच्चे, आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, रीप्ले कर लेना। तो चारू आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया, आपका क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल वाला था ना, तो देख लो बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ओके नमस्ते तान्या, यूटिलाइज योर टाइम इन चीटिंग, ये सब बकवास, मारूंगी ना।
यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन बिटवीन एग्जाम आप अपना टाइम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। बेसिकली आपका जो नेक्स्ट पेपर है ना, यहाँ पर इन बिटवीन एग्जाम तो मुझे नहीं पता क्या पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली, मतलब कि एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच का जो टाइम है, डेफिनेटली नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी करोगे, आपको वही टाइम यूटिलाइज करना है वैसे कि स्मार्टली उस पेपर के लिए पढ़ो ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। अभी यहाँ पर मैंने बच्चों से सजेशंस लिए थे कि क्या आप कोई नई सीरीज चाहते हो, या फिर अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए तो आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है मैम, मेरा भी यूनिक है, हम सब भारतीय है, मैं हूँ आकुश आकाश। हेलो मैम, हेलो तान्या। मैम आप मेरा डाउट नहीं क्लियर किया। राशि कौन सा डाउट आपका रह गया यार, बच्चों को आप बोलो स्पैमिंग कम करें राशि, फिर मैं आपके डाउट को देखती हूँ। मैम मुझे भी एक क्वेश्चन, बिल्कुल खुशी आप क्वेश्चन पूछो, जिन बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है फटाफट पूछते जाओ, और लोगों को यहाँ पर बोलो स्पैमिंग कम करें। तो यहाँ पर मुझे एक सजेशन किससे मिला, ये कनिका आपने सजेशन भेजा था क्या, एक बच्चे ने सजेशन बोला जो कि काफ़ी बढ़िया बोला उन्होंने कि फर्स्ट सेशन शुड बी लाइक स्टोरी फॉर्मैट, दूसरा जो है कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए हर एक चैप्टर का, दैट हैज बीन कवर्ड इन द फर्स्ट सेशन विद इन दैट डे। तो एक सजेशन मुझे एक बच्चे ने बोला कि मैम स्टोरी फॉर्मेट में एक सेशन करते हैं और उसके बाद कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। बताओ बच्चा बाड़ी कैसा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रॉफ। ट्रॉफ आपका एक थिन लाइन जो आपका बनता है ना, मतलब कि हम लोग जब मॉनसून के बारे में बात करते हैं, आप उसी चैप्टर से पूछना चाह रहे हो ना। मैम लेक्चर के बाद क्या क्या पढ़े ताकि चैप्टर कंप्लीट हो, कनिका लेक्चर के बाद आपको पढ़ना होगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, जितने भी टॉपिक्स मान लो डेली बेसिस पे अगर आप कंसिस्टेंट रहे ना, जितना भी मैंने पढ़ाया उसको आपने बस उस टॉपिक को उस दिन एनसीईआरटी से पढ़ लिया, एकदम सफाई से देखना 3-4 दिन तक तो यहाँ माइंड में आप रिटेन करके रहोगे। तो हमेशा सोशल साइंस इंग्लिश अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर ही फोकस करो, बाकी कहीं और से देखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना माइंड को कन्फ्यूज आओ नहीं, ठीक है, कम कन्फ्यूजन लाओ और आराम से पढ़ो। मैम अन अकेडमी फ्री कर दो, मैम चेंजेस चाहिए, मैम अन अकेडमी प्लस फ्री कर दो। अरे भाई मुफ्त का सब्सक्रिप्शन अतुल्य आपको मिल तो रहा है, इतनी हिंदी क्यों मैम, आपको मेरा डाउट ही नहीं समझ आया। ओ भैया अर्चना क्या डाउट था इसके अलावा। ट्रॉफ कहने का वही मतलब होता है कि यहाँ पर आप देखो कि पतला सा आपका जो पाथ, मतलब विंड्स जो है टकराते हैं, यहाँ पर इंटर कन्वर्जेंस जोन होता है बच्चे, तो दिस इज द मीटिंग पॉइंट हियर, यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट विंड्स और साउथ वेस्टर्न विंड्स जो है ना इधर आकर मिलते हैं, तो ये जो आपका थोड़ा पतला सा पाथ है विंड का यहाँ पर अपना बनता है, सो बेसिकली इसको हम लोग ट्रॉफ कहा करते हैं अगर उस सेंस में पूछ रहे हो तो। रसोड़े में कौन था, नो मैम, नो मैम क्यों लिखा है भाई, ये वाला अच्छा कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, अच्छा नाइन्थीज के लिए जिनके एग्जाम नहीं हुए फाइनल, तो यहाँ पर नाइन्थ के बहुत सारे बच्चे शायद बचे हुए हैं जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स, उनको बस मैं कहना चाहती हूँ स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ बहुत सारी मैंने शेयर की है, अभी सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर बनाते जाओ, जितने क्वेश्चन करोगे उतने आइडिया आपको लगेगा, मैक्सिमम वे में सैम्पल पेपर बनाते जाओ। नाइन्थ के बच्चों को तो मैंने काफ़ी सारा सैम्पल पेपर कराया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते जाओ हर एक सब्जेक्ट का, अपनी स्ट्रैटेजी वैसी बनाओ जैसा आपका एग्जाम का टाइम टेबल है, ठीक है। सम्यक ने एक और क्वेश्चन पूछा कि मैम आप वो सो सीरीज ला रहे हो ना, तो यहाँ पर सम्मे का कहना था कि मैम एक आप सीरीज लाओ जिसमें हम लोग वन शॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे और एंड में उसी दिन हम लोग मेंटी करेंगे, मतलब सम्मे चाहते हैं कि अनु मैम पूरा अप्रैल सिर्फ हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं ना उनके लिए दिया जाए, ठीक है खुशी आपको वो पॉइंट समझ में आ गया। बिल्कुल श्रेया यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, सोशल साइंस इज कॉल्ड एसएसटी क्योंकि सोशल स्टडीज कहलाता है, इसीलिए बचपन में सोशल स्टडीज कहते हैं बाद में सोशल साइंस हो रहा है, ठीक है। मैम सजेस्ट दिस मैन, मैम क्या सजेस्ट करना है आपको भाई, फ्रैगमेंट्स क्या सजेस्ट करना है ये बताओ। मैम ज्योग्राफी पहले शुरू करना अयान कह रहा है, ठीक है भाई अयान का फेवरेट है। हाय शोभित, मैम क्या ओनली एनसीईआरटी इज अनफ, देखो मैथ्स के लिए आपको आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा देखना पड़ेगा शोभित, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस की आई थिंक की एनसीईआरटी सफाइस, एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ो, मैं हमेशा बोलती हूँ एक बुक को 5 बार पढ़ो, बशर्ते कि 5 बुक को आप एक एक बार पढ़ रहे हो, एक बुक को जब 5 बार पढ़ोगे ना बच्चा, अगर आपने पूरे साल में एक बुक को 5 बार पढ़ लिया ना, नो वन कैन डिफीट यू फ्रॉम बिकमिंग फॉर फ्रॉम गोइंग टू दिस लेवल, समझ लो
अगर आपको ये लेवल नहीं दिख रहा तो ये लेवल इतना ऊंचा है कि आपको स्क्रीन में दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, जो भी आपके स्कूल में सजेस्टेड बुक्स में आता है आप उसके ऊपर देख सकते हो। बाकी के लिए सैंपल पेपर सफिशियंट है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो न्यू बैच ऑफ क्लास 10 जो कि मेजर अभी जो 9th के में 10th के बच्चे जाने वाले हैं, कल 3 PM पे आपके लिए रिफ्रेश बटन वापस से हम लोग दबाने वाले हैं और यहाँ पर आपके साथ पूरा एजेंडा और स्ट्रैटेजी शेयर किया जाएगा। जितने भी बच्चे क्लास 10 में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर गुड रिजल्ट एंड द वेट इज नाउ ओवर। 3 PM टुमारो वी आर गोइंग टू हैव मेगा सेशन, ओके। अभी यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा, मुझे लगता है ये कनिका that I want a series of super 30 in which you are going to cover 30 questions. अभी ये बताओ, ये वाला suggestion किसको अच्छा लग रहा है? ये suggestion मुझे अच्छा लगा कि 30 मिनट में super 30 type वाला question होगा और यहाँ पर 30 questions cover करेंगे सारे chapters के, 1 marker और 3 marker। जल्दी से बताओ, ये वाला सबको अच्छा लगा? अच्छा, वो आपने suggest किया था सनत, वो आपने suggest किया था। हेलो आदित्य, गुड इवनिंग। हाउ टू गेट फुट मार्क्स इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस। इमरोज, केस बेस्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं या शॉर्ट वेरी शॉर्ट की बात करते हैं, अंटिल अनलेस आपने पूरे चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है, द होल आइडिया इज टू लॉजिकली अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगर इनडेप्थ भी कोई भी क्वेश्चन आए ना, यू कांट यू नो गिव रॉन्ग आंसर देयर, क्योंकि आपने लॉजिकली एकदम अच्छे से उस चैप्टर को समझा है। तो यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करोगे, लॉजिक समझे। वेरी शॉर्ट को आपको चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, सारे शॉर्ट पॉइंट्स का नोट्स में या फिर अपने बुक में ही मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, दैट इज द बेस्ट वे। वो छोटे छोटे पॉइंट्स आप कभी मिस नहीं करोगे अगर आपने हाईलाइट कर दिया। अभी श्रेया, आप जल्दी से बताओ आपका क्वेश्चन क्या था और ये स्पैमिंग सारे बच्चे बंद करो। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैकर, हाय गुड इवनिंग। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आपके MNCs होते हैं ना, मतलब कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या जो कंपनीज है इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन ट्रेड कहने का क्या मतलब है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑल ओवर द कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में जब एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, वो आपका फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज हो गया, ठीक है। हाई दिव्यांशो, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। रॉयल बंगाल टाइगर, खुशी का क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर अभी देख लो यार, वेस्ट बंगाल सुंदरबंस में मिलता है, ठीक है। सुंदरबंस इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, ओके। एनसीईआरटी में छुआ भी नहीं है SST में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर श्रेया कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, मैम मेरा क्वेश्चन है सेकेंड वाला, दीपक ने पूछा है, मैम प्लीज एक्सप्लेन वॉट इज दी कैरेक्टर स्ट्राइपिंग टू डिपिक्ट, है ये कौन सा पार्ट है? कैरिकेचर, अरे कैरिकेचर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अरे मैम कल से क्या स्टार्ट करोगे वो सीरीज सब? मैं कल तो आपको थोड़ी छुट्टी दे रही हूँ, कल मैं न्यू टेंथीज के लिए एक सेशन कर रही हूँ और परसों वन शॉट करेंगे, उसके बाद थोड़ा मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, 2 दिन के बाद ये ऑर्गेनाइज करूंगी। एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम फुल सिविक्स का वन शॉट मैराथन करना है, फुल जियो का, फुल इकोनॉमी का, सबका वन शॉट मैराथन, तो बच्चे हमारा चल ही रहा है, आप सेशन में मुझे लगता है कम आ रहे हो। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का वन शॉट रिविजन ऑलरेडी मैंने शुरू किया है अंडर द सीरीज दैट इज नोन एज गेम चेंजर सीरीज फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं यहां पर, मैम यू आर राइट, ये वाला सजेशन मेरा था, ठीक है कनिका, करेक्ट बोला ना मैंने। हाउ टू स्कोर 100%, अतुल आप ना कभी ना स्कोर कर पाओगे। मैं कौन सी सीरीज शुरू करने वाली हूँ? PYQs एक नई सीरीज होने वाली है, मैप प्लॉटिंग सीरीज वापस से शुरू करेंगे। अभी यहाँ पर किसी बच्चे ने मुझसे लगता है ये वाला पूछा है, NCERT ब्लू लाइन क्वेश्चन, तो मुझे लगता है आप कहना चाहते हो कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ, तो एक NCERT सॉल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने फिनिक्स सोशल फॉस्टर पे कराया था, ये मैं बच्चों के लिए कर सकती हूँ, ठीक है। बाल्कन एरिया आपका ऑटोमन एम्पायर का काफी टाइम से पार्ट रहा था बच्चे, एंड दिस वाज द एरिया थोड़ा मतलब एक्सप्लोजिव एरिया बन गया था बिकॉज ऑफ द एथनिक वेरिएशन, यहाँ पर काफी एथनिक डाइवर्सिटी थी, यहाँ पर स्लाव्स मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटीज वाले लोग रह रहे थे। ऑल्सो यहाँ पर आप देखो कि इस एरिया को कैप्चर करने के लिए बाकी पावरफुल जितने भी आपके रीजन थे ना, यूरोपियन पावर्स है जो भी, इसको कैप्चर करते रहना चाह रहे थे, तो ये थोड़ा अपना पावर केक बन चुका था यूरोप का। सो दैट इज वाई ये जो बाल्कन एरिया है इसके ऊपर आपको यही लिखना है, थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया आपको समझना है कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है। सारे बच्चे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। हाय सार्थिका, बिल्कुल अभी मेंटी होने वाला है। मैम विच रिवर इज द नेम ऑफ साउथ गंगा, मतलब
अच्छा वो कावेरी है का, नहीं कावेरी है या गोदावरी है? कावेरी या गोदावरी में से है कोई एक। हाय गीतिका, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। एक बार चेक कर लेना। अच्छा ये बताओ, बच्चों से मैंने तीसरा पार्ट पूछा था, फटाफट एवरीवन। अच्छा मुझे जिन बच्चों के अभी यहाँ पर आकाश हाय आते थे, गुड इवनिंग। अच्छा सुनो, श्रेया का एक क्वेश्चन था, राशि का एक क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, फटाफट मुझसे क्वेश्चन पूछो। हाँ सम्यक, मेंटी है अभी, मेंटी भी है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। यार टेंशन क्यों लेते हो, मेंटी होने वाला है। लेकिन आपको मैक्सिमम फ्रेंड्स को इधर इनवाइट करना होगा भाई सेशन में, मुझे 40। मैम मेरा डाउट नहीं क्लियर होता। अरे बच्चा पूछो तो राशि, मैं भी आपके कमेंट को देख रही हूँ, फटाफट पूछो। मैम डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहा था और मुझे पर कैपिटा इनकम समझ नहीं आ रहा है। अरे किसी भी कंट्री में जो आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स। हाँ तो ले भी मेंटी होने वाला है। मैम मेंटी क्यों है? क्योंकि बच्चों को मन ही नहीं लगता है। मैम न्यू सिलेबस नेहा पूछ रही है, कौन सा डाउट है? अच्छा मैम अमेरिका में ज्यादा क्राइम नहीं होते, फिर भी उन्होंने जल्दी फैसला सुना देते हैं, इंडिया में 3-4 साल क्यों लगता है? मैम ओ माय गॉड राशि, आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? आप देखो आप अमेरिका में नहीं हो ना, लेकिन आपको मैं आज बताना चाहती हूँ कि जब हम क्राइम की बात करते हैं ना बच्चे, ये इस चीज के ऊपर मैंने बहुत पहले रिसर्च किया था। आज के डेट में आपको पता है यूएस जैसे जितने भी आपके डेवलप कंट्रीज हैं, यहाँ पर आपका क्राइम का रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग यूएस में नहीं रहते, हम लोग को थोड़ी वहां के लोकल एरियाज का न्यूज पता होगा, नहीं पता होता है ना आपको, बस मेजर न्यूज पता होता है थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जब आप क्राइम डेटा देखोगे सारे कंट्रीज का, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आप थोड़ा गलत सोच रहे थे, ठीक है। मेंटी अभी थोड़ी देर में होने वाला है, मेंटी कैसी होगी? आकाश जनरल नॉलेज है भाई, देखते कितने बच्चों को याद है। पहले ये गेस करो, ये साई ने क्वेश्चन पूछा है, सारे बच्चे पहले इस मेंटी पे आंसर करो, किस पर है अर्चना? आज आपके जनरल नॉलेज को, आईक्यू को अनु मैम टेस्ट करने वाली है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो। साई ने ये क्वेश्चन भेजा है कि महानदी को छोड़कर एक और रिवर है जो कि उड़ीसा तक जाती है, ऑप्शंस आर अरपा, इंद्रावती एंड शिवनाथ। पहले इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो क्विकली, आज जनरल नॉलेज का है, आज फन है भाई, फन है, डेविल है, डेविल है, ओ मारूंगी ना तुल, वर्चुअल पिटाई होनी है। टू 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 सबमिट ने लिखा है कि मैम ये तो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आप यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में हो। इंद्रावती इज द करेक्ट आंसर, फटाफट बताओ। बी अतुल ने बी लिखा है, संदीप ने ए लिखा है। हाय अमन गुड इवनिंग बच्चा। देखो मेंटी तभी शुरू करूंगी जब अपने जो बच्चे हैं ना वो 40+ हो। आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे दुखी कर देता, सेंटी कर देता। अभी अपने सारे फ्रेंड्स को, अभी हमारे पास 23 बच्चे हैं, आप अपने एक एक फ्रेंड को बुलाने की जिम्मेदारी लो और यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लाओ, तुरंत मेंटी शुरू हो जाएगा। इट इज गोदावरी, ठीक है, उसमें से। मैम सेशन के सिलेबस में चेंज है क्या? सार्थिका वो मैं देख कर बताती हूँ, अभी तक तो कुछ है नहीं। सबने बी आंसर किया है, इंद्रावती। साई कहाँ है भाई अपना, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये हमारा एक बच्चा है जिसने ये हिंट दिया है कि ये इस सिटी या स्टेट में रहता है, किसी बच्चे को पता है क्या? मेनी ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स लाइक राम प्रसाद बिस्मिल एंड शहीद अशफुल्ला खान बर्थ प्लेस है, उनका बर्थ प्लेस है ये, और यहाँ पर वर्ल्ड का थर्ड टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू है। फटाफट सी करेक्ट आंसर है। साई ने बोला कि मैम शिवनाथ इज द करेक्ट आंसर, बच्चों ने इधर गलत आंसर बोला है, शिवनाथ करेक्ट आंसर है, बच्चा लोग इंद्रावती और अर्पा इज द रॉन्ग आंसर। अभी जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा प्लीज आप आंसर बता देना, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैम ये मेरा है, 50 और 150 लाइक्स होने पर मेंटी करवाना, वरना नहीं। बिल्कुल तान्या, जल्दी से 50 लाइव वॉचिंग कराओ, तभी अनु मैम मेंटी कराएंगी। आज तो मेंटी क्वीन ने भी बोल दिया है, गलत बोला है सबने। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, कौन सा है ये? और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पर जरा सही जवाब देंगे बच्चों का आंसर बताते हुए। अच्छा तान्या ने करेक्ट आंसर दिया था, शिवनाथ। ओहो दिल्ली, वर्ल्ड का थर्ड टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू है यहाँ पर, दिल्ली।
दिल्ली मैम सिविल डॉक्टर बनूं या आर्मी डॉक्टर? राशि ये तो आप डिसाइड करोगे यार, ये तो आपके ऊपर है। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है, वर्ल्ड का थर्ड स्टैचू? ये मैम 19 क्वेश्चन मेरा है, मेंटी नहीं कराना आदर्श, मेंटी तो कराना है, क्वेश्चंस है लेकिन आपको अपने दोस्तों को बुलाना पड़ेगा तभी मेंटी होने वाला है। थोड़ी अनु मैम की भी बात मान लो भाई। अच्छा मैं देख रही हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट हनुमान स्टैचू कहाँ पर है, मैं ही ये आंसर देती हूँ। हनुमान हैंडसम मैम कुछ ज्यादा ही, हनुमान स्टैचू कहाँ पर है भाई? ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में है, नहीं यूएसए, ये क्या है भाई? यार बच्चा बताओ कहाँ पर है, नहीं समझ में आ रहा है करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है एवरीवन। चिंदावाड़ा मैम ये सिटी पे नेम है, ये मैं मेरी सिटी पे नेम पे, तो अर्चना बच्चों को सही आंसर बताओ यार, सब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैम ये सिटी लोल हो रहा है, शाहजहांपुर है, करेक्ट आंसर शाहजहांपुर है। ये क्वेश्चन अर्चना ने पूछा था, काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा एंड आई गेस कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर थोड़ा उनका जनरल नॉलेज बढ़ा है, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता यार कैसी बातें कर दी। अभी ये टप्पू के द्वारा ये दिल्ली में शाहजहांपुर दिल्ली में, अभी ये टप्पू के द्वारा मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया है। There were two sons of a cat named Appun and Sappun. When Sappun gonna died, then who was consumed the milk of Appun Sappun? ये क्या है भाई, मतलब कुछ भी। बच्चा लोग ये भी क्वेश्चन का आंसर कर दो। सही है राशि, आपके साथ तो LOL हो चुका है। ये सनत ने ये क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा? फ्रैगनेंस कौन है अपना? हेलो टॉम रिडल, हाय गुड इवनिंग टॉम रिडल, जल्दी से 40 प्लस लाइव व्यूज करो, मतलब मैंने लाइव व्यूज की बात की बच्चे चले गए। अनु मैम की पब्लिक क्या बोलती है, हमको मत बोलिए हम नहीं पूछे। इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताओ, सनत ने ये क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी बकवास क्वेश्चन पूछा है। बट अच्छा ये बताओ, ये मुझे लगता है चारू ने ये क्वेश्चन पूछा है, इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशंस इन इंडिया, ये कौन सी सिटी है? मैं आपको एक हिंट देने वाली हूँ, ये अपना एक यूनियन टेरिटरी है, फटाफट आंसर दो। एथनी सिटी कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस शेयरिंग कॉमन पास्ट कॉमन कल्चर, तो वो अपना टर्म होता है एथनी सिटी, ठीक है। अरे वही तो राशि यार, अपन मत बोलना कोई, अपन बोल लो चाइना नहीं यार, ऑटोमोबाइल इंडिया की बात हो रही है, चाइना कहाँ से हो गया। साई ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है, क्या बात है, सम्यक ने भी करेक्ट दिया है। बैंगलोर बैंगलोर नहीं है, यूटी की बात हो रही है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, मुझे भी नहीं पता था लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन है यार, पटना बोलते हैं, कुछ भी पटना बोलते हैं। अच्छा देखो ये अपना सिटी है, ये मुझे लगता है सम्यक ने क्वेश्चन पूछा है, सिटी ऑफ रिचुअल्स एंड कुंभ मेला हियर एवरी 12 ईयर, तो बताओ कौन सा ऐसा सिटी है जहां पर कुंभ मेला का रिचुअल आपका हमेशा होते रहता है, फटाफट जल्दी से बताओ। गोल गोल वीडियो घूमना शुरू हो गया, अरे 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 नहीं यार मेरी तरफ तो नेटवर्क ठीक है, जल्दी से दिल्ली, वेरी गुड, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, ये सम्यक का क्वेश्चन है, अलाहाबाद करेक्ट आंसर नहीं है, सम्यक के सबसे जिगरी दोस्त ने करेक्ट आंसर दे दिया है। देखो ऑप्शंस तो आपके सब करेक्ट दे रहे हो, अलाहाबाद उज्जैन यूपी, तो अलाहाबाद वाराणसी प्रयागराज वाराणसी, राशि ने लिखा है उज्जैन, तो यहाँ पर सम्यक जहाँ से है, मैं तुरंत समझ गई थी कि ये सम्यक का क्वेश्चन है और उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। सम्यक बताओ ये करेक्ट आंसर है कि नहीं, फटाफट जल्दी से, अलाहाबाद ये सब तो होता है, कुंभ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बताना होगा। मैम बच्चे कम हो रहे हैं, मैम मिंटी खिलाओ, संदीप कह रहा है, अरे रुक जाओ यार, कम हो रहे हैं तो मतलब क्या है, बच्चे तुरंत आएंगे मिंटी का नाम सुन के। अच्छा अयान के घर से 120, अच्छा सिटी ऑफ लेक किसको कहते हैं, ये निहारिका का क्वेश्चन था, सब अपने सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जल्दी से बताओ सिटी ऑफ लेक्स कौन सा होता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बच्चा लोग कैसी बातें कर दी, फटाफट एवरीवन। अभी हम लोग तुरंत फिर मेंटी शुरू करने वाले हैं, तो यहां पर देख लो भाई,
उदयपुर, उदयपुर इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे खुद नहीं समझ में आया, जिस बच्चे ने पूछा है वो आंसर भी दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द हार्ट ऑफ इंडिया एंड जबलपुर इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ, ओ अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने एक्चुअली आंसर ही दिखा दिया, तो एक जबलपुर का क्वेश्चन था, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ हार्ट सिटी। बहुत ही अच्छा पार्ट है बच्चा लोग। अभी चलो हम लोग मेंटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे मेंटी में जुड़ जाओ, जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, 11 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। एग्जाम टाइम मैनेजमेंट, हाँ आकाश का क्वेश्चन था एग्जाम टाइम मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हर एक सेक्शन के लिए आपको टाइम देना होता है आकाश। जैसे कि क्लास 10 की अगर हम बात करते हैं, 16 MCQs आएगा, मैक्सिमम 15 मिनट में उसको निपटा दो। सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं उसके लिए 30 मिनट दो, क्योंकि 6 क्वेश्चन है तो शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है तो आधे घंटे में या 35 मिनट्स मैक्सिमम दो। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट दो, और उसके अलावा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 40 मिनट्स दो। मैप के लिए 5 मिनट दो, दैट इज द वे यू हैव टू डू योर टाइम मैनेजमेंट। अभी फटाफट सारे बच्चे मेंटी में आ जाओ एवरीवन। अभी मेंटी के लिए मैंने, आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए भाई। अमरकंटक, खुशी अमरकंटक से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। 5296 5296 9729। अभी फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलो चलो आकाश फटाफट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए भाई। ये क्या हो रहा है, मतलब 30-35 बच्चे तो होने चाहिए, फटाफट एवरीवन ज्वाइन। 11 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टाइम मैं लेने वाली हूं नहीं, तो यहां पर मेंटी में आ जाओ। मैम हिमांशी, क्विज जो अपना है ना, ये क्विज है काफी इंटरेस्टिंग, जो आपके जनरल नॉलेज को चेक करके आपकी थोड़ी नॉलेज को ऐसे बढ़ाने वाला है, ठीक है। मैम मेरा समझ नहीं आता, पहले बैंगलोर में रहने वाली इंदौर की, लेकिन अभी रह रही हूँ उत्तराखंड में, मेरे साथ LOL हो गया। अरे अरे तो अच्छी बात है ना। मैम ये नंबर क्या है प्लीज रिप्लाई, ये आपका मेंटी कोड है बच्चा, ये आपका मेंटी कोड है। आप www.menti.com पे जाओ और वहां पर ये कोड टाइप करो, ठीक है। बिल्कुल नेट इशू नहीं होना चाहिए, मछली जल की रानी है। हाँ हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल राशि। फटाफट एवरीवन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लोमड़ी मिला, मैम मैं रोबोट हूँ, नाम आप पता लगाना, ठीक है। अब रोबोट बता दिया तो उससे तो मुझे समझ ही आ जाएगा ना। शिवांगी आप आ चुके हो, फटाफट अपने दोस्तों को बुलाओ यार। शिवांगी ऐसे कैसे, क्यों जा रहे हो मैम, ये मैम का फोन नंबर है, कुछ भी मतलब मारूंगी ना। अभी जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक करो यार, जीवन मेरा पानी है। हाय नितेश, पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? यार नितेश आपको सुबह से मैं पढ़ा रही हूँ, एक सेशन बच्चों का तो फन बनता ही है यार, मतलब ऐसे मतलब आपकी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बनना चाहती हूँ मैं कि बच्चों को फन भी ना कराऊं। सुबह से बेचारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभी जल्दी से 30 स्टूडेंट्स फटाफट करो, तब मैं क्विज शुरू करने वाली हूँ। जल्दी से यार 11 क्वेश्चंस है, अपने लिस्ट में शेयर करो, वी हैव टू टेक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हियर एवरीवन। चंदा हाय गुड इवनिंग, शुरू तो करेंगे यार, लेकिन मतलब ऐसे कैसे बच्चों को बुलाओ, 30 स्टूडेंट्स कराओ यार बच्चा लोग, ऐसे कैसे कर रहे हो। अनु मैम के साथ, मैम बैटरी 3 पे है यार। शिवांगी यार ऐसे दगाबाजी नहीं करनी है, शिवांगी आप नहीं रहते हो तो मजा नहीं आता, मेंटी में तो रहना पड़ेगा। चार्जर लगाकर बैठ जाओ, अभी अभी बैठ जाओ आप, जनरल नॉलेज बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करूं, हो गया फिर, हाँ नेट इशू हो गया। चलो यार बच्चा लोग दुखी कर देता, अभी यहाँ पर गेस करते जाओ, क्योंकि आज आपको तुक्का ही लगाना है। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर करेंगे, आपके नॉलेज को थोड़ा चेक करना चाहती हूँ। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है,
झेलम ब्रिज है, अटल ब्रिज है या चेनाब ब्रिज है। देखते हैं कितने बच्चों को आंसर पता है, कितने बच्चों का तुक्का एकदम सही लगने वाला है। फटाफट फटाफट, जॉनी जॉनी सीखा है बड़ी मुश्किल से। हाय मेरी राशि। मैम आई डोंट लाइक मेंटी। घूमना शुरू हो गया यार, ये क्यों हो रहा है? अभी देखते हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा लोग इधर मतलब तुक्का ही लगाने वाला है, और तुक्का लगा के यहाँ पर कौन है वो आठ बच्चे जिनका तुक्का सही लगा। जम्मू एंड कश्मीर में अपना लार्जेस्ट लेयर हाईएस्ट रेल ब्रिज है जिसको हम लोग चेनाब ब्रिज कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, झेलम और अटल नहीं है। एक पहला आपको नॉलेज, जनरल नॉलेज की कहानी बता दी है। किसी भी बच्चे के सामने जाकर प्रैंक करना, प्रैंक नहीं करना, उनको थोड़ा शो ऑफ करना। अभी यार बच्चों अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, गूगल करो। हाय शशांक, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। रॉन्ग हो गया संबंध ने। यहाँ पर प्रिया ने सबसे पहले फास्टेस्ट आंसर दिया। नितेश और अतुल के पास जीरो पॉइंट्स है। किंग ऑफ जमशेदपुर अपना छोटू सा पेंगुइन यानी कि टप्पू है। अभी राशि पटेल मुझे कह रही मैम हाई फाई। राशि बेन हाई फाई। सम्यक जो अपने इधर जेट के साथ ऐसे आगे आ चुका है, पटना वासी हूँ यानी कि अपना इधर टॉम रिडल आ चुका है रॉबर्ट बन के। देन वी हैव अर्चना। इधर रोनाल्ड कौन है ये समझ नहीं आ रहा है, और अपना टेड कौन है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुक्का लगाते जाओ, एलेक्सा को बोलो अरे मैम वीडियो नहीं, मैं घूमती हूँ तभी नेट आएगा ना। चलो मतलब कि आपका फोन फिटनेस फ्रीक है तान्या, वो चाहता है कि आप स्लिम एंड ट्रिम हो जाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी से आंसर करते जाओ। हाय रे किस्मत, अतुल की किस्मत आज खराब है, देखती हूँ कितना तुक्का लगेगा। अच्छा पता है आपको, इस हमारे देश में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में एक विलेज है जहाँ पर किसी भी दरवाजे पे ना कोई भी लॉक्स नहीं लगता है। ठीक है, वहाँ कभी भी बंद नहीं होता है गेट एनी टाइम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है जल्दी से बताओ यार, तुक्का देखते हैं। सारे बच्चों ने वोट किया है, ओह माय गॉड क्या बात है। 13 बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है। हाय आकृति, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। ज्वाइन द मेंटी यार, फन क्विज है अपना। तो यहाँ पर आपको पता है, मुझे खुद नहीं पता था, ठीक है मुझे आज पता चला आप बच्चों के लिए। एलेक्सा नहीं हनुमान। चलो ये अपना शनि शिंगा शिंगनापुर एक जगह है बच्चा, एक छोटी सी विलेज है, और ये यहाँ पर बिलीव है ना कि शनि भगवान उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, और इसी वजह से उस विलेज में किसी भी दरवाजे का ना कभी ताला नहीं लगता। इजंट दैट अमेजिंग, आई मीन दिस इज वेरी कूल फैक्ट फॉर मी। हाय श्रेय, गुड इवनिंग बच्चा। हाय आकृति, गुड इवनिंग। तुक्का गलत हो गया आदर्श का, यहाँ पर तो बस तुक्का लगाना है। अर्चना का तुक्का इधर गलत हो गया। दीपक क्या बात है, सबका मन को जीतने वाला। अरे अपना कौन बच्चा है जो सबके मन को जीत लेता है, क्या बात है। इमरोज अपने बनी रावट के साथ लीडर बोर्ड पे, दीपक अपने इधर ऐसे वोल्केनो के साथ लीडर बोर्ड पे। अर्चना काफी कंफ्यूज है कि मैम आज आप कर क्या रहे हो। और देखो पासा पलट चुका है अपनी प्रिया सेकंड पोजीशन पे, और सम्यक जो एपीआरआई वॉरियर का एकदम लीडर है वो फर्स्ट पोजीशन पे लीड करते हुए। तो यहाँ पर देखो पटना वासी यानी कि टॉम रिडल जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। देन वी हैव राशि बेन, देन वी हैव रोनाल्ड टेड, देन वी हैव सबके मन को जीतने वाला पता नहीं कौन है, और बाकी तो लीडर बोर्ड में मैंने आपको बता ही दिया। हाय स्नेहा, गुड इवनिंग। अमित सिंह कह रहे फेवरेट, अरे क्रिकेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बच्चे ने लिखा था कि मैम एक बार फन क्रिकेट सेशन करो ना, तो मैंने सोचा आज ही कर लेती हूँ। अच्छा कौन सी सिटी है दैट इज होम टू द लार्जेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड। सनडायल का मतलब समझ में आता है बच्चा लोग? शिवांगना आ चुकी है, वेरी गुड। हेलो शिवांगना यार, शनिदेव, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चंदा करेक्ट पॉइंट लिखा है। देखते हैं कितने बच्चों का तुक्का लगा है इस क्वेश्चन में। सारे बच्चों ने वोट किया है, तुक्का लगाने में तो आप लोग माहिर हो इतना मुझे समझ में आ चुका है। 11 बच्चों ने फिर भी करेक्ट आंसर दिया, क्या बात है यार। मेजॉरिटी ने करेक्ट आंसर दिया यानी कि वो बगल में दूसरे फोन से तुरंत गूगल सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा लोग, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जयपुर इज द होम टू द लार्जेस्ट सनडायल, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अच्छा उज्जैन में भी एक है मैम। डोरेमोन नहीं भैया, डोरेमोन मुझे नहीं पसंद है। हाय दिव्यांश, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। तुक्का मारा, अरे अरे ये क्या हो गया लीडर बोर्ड पे। राशि बहन अपने सेकंड पोजीशन पे, टॉम रिडल थर्ड, टेड रोनाल्ड, प्रिया अर्चना ने फास्टेस्ट आंसर दिया। तुरंत उन्होंने एकदम मस्त गूगल सर्च मारा। ऋषभ अपने यूनिकॉर्न के साथ लीडर बोर्ड पे आ चुके हैं। श्रेय जो कि चिंगा लाला करते करते लीडर बोर्ड पर आ चुके हैं। एंड
वी हैव सार्थिका जो कि बहुत सारा स्माइल दे रही है, वो भी हमारे लीडर बोर्ड पर आ चुकी है। अच्छा गीतिका हियर, ओके ओके, हाय गीतिका, हेलो। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन, फटाफट शेयर करते जाओ एवरीवन। जो बच्चे लेट आ रहे हैं सेशन को लाइक करना मत भूलना। अब ये बताओ, दिस इज द मोस्ट एंशिएंट सर्वाइविंग सिटी इन इंडिया, ये बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर तो मुझे लगता है मैक्सिमम को करेक्ट आंसर दे देना चाहिए। फेवरेट आईपीएल टीम मुझसे पूछ रहे हो या बताना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो अमित, मुझे ये बताओ। लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं। 9 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। आपको पता है पाटलिपुत्रा से पहले वाराणसी द एंशिएंट, पाटलिपुत्रा भी पटना ठीक है लेकिन वाराणसी इज द, इनफैक्ट इट इज इन द वर्ल्ड एज वेल वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सर्वाइविंग सिटी इन इंडिया। ठीक है बच्चों, लो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। मेरा फेवरेट, मैं अब क्रिकेट नहीं देखती हूं अमित, आई डो नॉट सी। टॉम ने और प्रिया ने गलत आंसर दिया है। चंदा यहाँ पर अपने बोर्ड को ऐसे रो करते करते लीडर बोर्ड पे आ चुकी है अपने नाव के साथ तैरते हुए। अभी देखो सम्यक फिर भी यहाँ पर लीडर बोर्ड में काफी आ गए अपने वो जेट के साथ ऐसे। टेड मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अपनी तान्या है या फिर रोनल्ड अपनी तान्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। राशि ऑन दी सेकंड पोजीशन, अपनी छोटी सी जो फिश है वो सेकंड पोजीशन पर है। रोनल्ड, टेड, देन वी हैव अर्चना, देन वी हैव टॉम जो कि काफी नीचे जा चुके हैं, पता नहीं कौन है। चंदा इधर 10th पोजीशन पर है, सार्थिक का पोजीशन इधर इंप्रूव हुआ है, वेरी गुड। ऋषभ का ये क्वेश्चन गलत हो गया, ओहो, शिवांगना का भी क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन गाइस, अभी भी आपके पास टाइम है यार, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। चलो क्रिकेट का क्वेश्चन है, कितने बच्चों का फेवरेट गेम है क्रिकेट, वो इधर करेक्ट आंसर देते जाओ। डैश इज द फर्स्ट प्लेयर टू विन टॉप 3 आईसीसी अवार्ड्स इन द सेम ईयर। 2018 में 3 आईसीसी अवार्ड्स मिले थे, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है। अरे शिवांगना गेस करते रहो यार, गेस करते रहो, तुक्का मारते रहो, उसी में मजा करो, इतना टेंशन नहीं लेने का है। मैम ऐसे नहीं बोलिए, गूगल नहीं कर रही अर्चना, गूगल नहीं कर रही। अच्छो अच्छो, 6 बच्चों ने गलत आंसर दिया। ऑब्वियसली बहुत बच्चे यहाँ पर, रोहित शर्मा कहते हैं क्रिकेट नहीं पसंद अपने सनत को, ओहो विराट कोहली, अमित ने करेक्ट आंसर दिया है। चलो विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। 2018 में जो आईसीसी टॉप अवार्ड्स अपना होता है ना, बेस्ट प्लेयर, मैन ऑफ द मैच जो भी होता है, ये तीनों विराट कोहली को मिला था। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाय गेमर शुभम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। हेलो शॉट 161, क्या बात है, कैसे कैसे नाम लेकर आते हो। परहैप्स रोहित नहीं है, परहैप्स इट इज करेक्ट आंसर जो अपना है विराट कोहली, सबके मन को जीतने वाला, जिताने वाला। ये अपना बच्चा वापस से लीडर बोर्ड पे आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि टप्पू है या कौन है, समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है ये टप्पू है। फास्टेस्ट आंसर देते हुए सम्यक, राशि, रोनल्ड, अर्चना, देन वी हैव टॉम, देन वी हैव सार्थिका, देन वी हैव टेड, चंदा, ऋषभ एंड सबके मन को जीतने वाला ऑन द लीडर बोर्ड। चंदा का इधर करेक्ट आंसर हुआ मैम। हाय निकिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन, जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं सेशन में, थोड़ा हमारा मेंटी शुरू हो गया, कमी क्वेश्चंस थे, दैट्स व्हाई यू डोंट नो द करेक्ट स्पेलिंग, किसको बोला भाई। अब यहाँ पर बताओ, द ओनली प्लेयर टू विन 4 कॉन्सिक्यूटिव मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन ODIs, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है। 4 कॉन्सिक्यूटिव मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है, किसको मिला है भाई, साई 10th पोजीशन पर है। अच्छा जी, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्रिकेट का नॉलेज कितने बच्चों का बढ़िया है। और ऐसा मानो कि बच्चा लोग सोचते हैं कि जहाँ सचिन तेंदुलकर देखा हम लोग उधर सचिन तेंदुलकर टिक करके आएंगे। मैम मुझे नहीं खेलना क्रिकेट, मैं भी नहीं खेलती यार क्रिकेट, बचपन में मुझे हमेशा दूध बात मिल जाता था क्रिकेट के नाम पे। यहाँ पर 8 बच्चों ने सिर्फ करेक्ट आंसर दिया, इट इज सौरभ गांगुली भाई, सौरभ गांगुली इज द करेक्ट आंसर। हाय अनुष्का, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर अपने लीडर बोर्ड पे देखो साई 10th पोजीशन पे, हमेशा उनका ये फेवरेट है यार, अर्चना, टॉम, चंदो और ऋषभ ने गलत आंसर दिया। और यहाँ पर देखते हैं राशि ने वापस से सम्यक को इधर ऐसे ऐसे इधर मजाक करते करते इधर सम्यक को उन्होंने ऐसे मारा। ये हमारा फन क्विज हो रहा है अनुष्का, ये आज का फन क्विज है क्योंकि हमारा AMA सेशन चल रहा है। तो राशि, सम्यक, रोनल्ड, सार्थिका, देन वी हैव अर्चना, देन वी हैव टॉम, टेड, सबके मन को जीतने वाला इधर अपना साई है, चंदा एंड ऋषभ ऑन द लीडर बोर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको अभी पता चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन, जल्दी से, फोन का नेट खत्म हो गया। अरे यार बच्चा लोग के फोन का नेट खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ, किसी को पता है क्या, डैश इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, टीचिंग, डेंटिस्ट्री या कोई भी नहीं, देखते हैं यहां पर।
यहाँ पर अनुष्का को डर लगेगा कि मैम ये वाला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है। ए आ आ आ देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। ओ माय गॉड स्टूडेंट्स, यू गाइस हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। सिर्फ एक बच्चे ने डेंटिस्ट्री लिखा था। मुझे अभी बता दो कौन है वो बच्चा जिसने ये पॉइंट लिखा है। ऑप्शन बी किसने लिखा है जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे ने डेंटिस्ट्री लिखा है। पता है डेंटिस्ट वालों जो अपना प्रोफेशन है दैट इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन गाइस। और यहाँ पर लीडर बोर्ड पे कोई है ही नहीं जिसने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। ओ माय गॉड, हसलर कह रहे हैं कि मैम वो मैं हूँ, क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। अरे यार ये क्या हो गया, मैं लीडर बोर्ड पे कोई नहीं है जिसने ये करेक्ट आंसर दिया है। हसला कह रहा है मैम मैं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। राशि कह रही है मैम मैं नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सारे बच्चों को पता चला। नाउ दिस इज द क्वेश्चन हियर। अच्छा पता है क्या, द लॉन्गेस्ट प्लेस नेम ऑन द प्लैनेट इज 85 लेटर्स लॉन्ग गाइस। 85 लेटर्स का एक जगह का नाम है, लेकिन वो जगह कौन से कंट्री में है इधर आपको वो बताना है। फ्रांस की बात हो रही है, कनाडा की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। फटाफट जल्दी से बताते जाओ। निकिता कह रही है मैम मैंने नहीं दिया, मैम मैंने नहीं दिया। अनुष्का कह रही है मैंने दिया मैम। सब यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यहाँ पर 10 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, 7 बच्चों ने गलत आंसर दिया। सो ऑस्ट्रेलिया में वो जगह है, आई इवन कांट प्रोनाउंस इट। इमेजिन कि किसी भी जगह का नाम 85 लेटर्स में कुछ भी रैंडमली लिखा हुआ है भाई। वहां के लोगों को फिगर आउट करना पड़ता है क्या सीन है। तो यहाँ पर हम लोग लीडर बोर्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड का अपना क्या हाल है। ओ एक सेकेंड, लीडर बोर्ड देखा जाए बच्चा लोग, ये सब मेरे को नहीं पता था। रॉन्ग हो गया बच्चा लोग से। अरे क्या बात है, राशि का मतलब तुक्का बहुत बढ़िया लग रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है तुक्का लग रहा है कि क्या लग रहा है। वापस से अतुल अपने वुल्फ गैंग के साथ लीडर बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पर राशि ने सम्यक को ऐसे मात देते हुए फिश जो है उनके जेट को ऐसे चबाते हुए निकली जा रही है। और राशि ऑन दी फर्स्ट पोजीशन, देन वी हैव सम्यक, देन वी हैव रोनल्ड, देन वी हैव अर्चना सार्थिका, देन वी हैव टॉम सबके मन को जीते वाला अकसाय, देन वी हैव टेड, देन वी हैव प्रिया एंड एट लास्ट वी हैव अतुल्या। आई एम डेफिनेटली श्योर हियर कि टेड जो है वो अपनी तान्या है, एकदम श्योर हूं मैं। हाय दर्शिता, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। अतुल लीडर बोर्ड पे आ गए। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल कोरल रीफ्स की बात हो रही है जिसका फॉर्मेशन वहां पे, वो आइलैंड में कोरल रीफ से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन है? यंगेस्ट कंट्री कैसे समझते हो? जिस कंट्री में मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज हजार साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं, तो अपना एक लॉन्ग हिस्ट्री चला हुआ आ रहा है कि वहाँ पे लोग बहुत टाइम से सेटल है, उसका एक पर्टिकुलर नेम है। तो यहाँ पर थोड़ा गेस करो भाई बच्चा लोग। अरे यार प्रोफेसर स्नेप ये सब मत स्पैमिंग करो प्लीज़। देखते हैं कितने बच्चों को याद है यार, कितने बच्चों को इनफैक्ट पता है। नाइजीरिया और फिनलैंड इज द रॉन्ग आंसर। ओनली 5 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ओ माई गॉड, oh my god, only 5 students have given the correct answer here. South Sudan is the correct answer. तो बच्चा पार्टी ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर अर्चना ने, पटना वासी यानी कि टॉम ने, और पता नहीं अपना कौन है, पता नहीं। तो अर्चना यहाँ पर सबमे को डिफीट करते हुए लीडर बोर्ड पे सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है और काफी कंफ्यूज है कि मैम इज दैट रियल और नॉट। तो यहाँ पर लीडर बोर्ड में काफी मजा आ रहा है, काफी उथल पुथल मच चुका है हमारा। राशि, अर्चना, सम्यक, देन वी हैव टॉम अगेन ऑन द लीडर बोर्ड फोर्थ पोजीशन पे, रोनल्ड, सार्थिका, साय, पता नहीं, टेड एंड एट लास्ट वी हैव प्रिया जो कि फर्स्ट पोजीशन पे थी फर्स्ट क्वेश्चन की बात है ना। ये सही हो गया, सही हो गया, क्या बात है, क्या बात है। अमित यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देते जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या हाल है बाकी बच्चों का। लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन गाइस। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। हाय आरव, काफी लेट आए हो यार सेशन में, अपने दोस्तों को पहले बुला रहा था ना। अच्छा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है विद 37 मिलियन इनहैबिटेंट्स? वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी की बात हो रही है, फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर आंसर करो, एवरीवन क्विकली। आदर्श आप हो उसमें से एक, चलो ठीक है। हाँ अभी 2011 में वहां पे डेमोक्रेसी मिली थी। अमित आप सनत हो क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हाय ऋषभ, ऋषभ ने बी लिखा है। चलो 13 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 4 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। तो
तो 13 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। देखते हैं कि अपने 13 बच्चे इधर कौन है। तो पटनावासी यानी कि 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सब में को थोड़ी राहत मिली कि चलो मैम एक तुक्का तो अपना लग गया है। वी हैव राशि ऑन द लीडर बोर्ड लीडिंग हियर अपने छोटे से फिश के साथ। देन वी हैव अर्चना, सम्यक, सार्थिका, पटनावासी का टॉम रिडल, देन वी हैव रोनल पता नहीं, देन वी हैव टेड, देन वी हैव साई एंड अतुल्य ऑन द लीडर बोर्ड। काफी कुछ इधर बदल चुका है। हाय निहारिका, गुड इवनिंग। हाय प्रियांशी, हे ब्रो मैम, हे ब्रो स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द स्क्रीन। फालतू एमएनडी हमेशा धोखा दे देता अपने टप्पू को यार। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश के बारे में आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। जेलीफिश के बारे में सारे बच्चों ने सुना है ना, तो आपको बताना है कि जेलीफिश के पास नो ब्रेन एंड हार्ट, नो बोन्स, या दोनों, या पर इसमें से कोई एक है। फटाफट जल्दी से बताओ। अतुल ने फास्टेस्ट आंसर दिया। हाय चिराग, इशिका आई क्या? आई तो उसे बता देना, मैं उसे दूंगा। क्या बोल रहे हो? बाय चिराग, बाय। हाइपर आप काफी लेट हो। 9 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, 7 बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया। अच्छा आपको पता है बच्चों कि जेलीफिश क्या एक फिश है? पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जेलीफिश के बारे में कुछ पता है किसी को? क्विकली कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है जेलीफिश एक फिश है क्या? पता है आपको जेलीफिश के पास कोई ब्रेन, कुछ हार्ट, कुछ बोन्स नहीं होता? आपको ये फैक्ट पता था? मैम कल कंप्यूटर का एग्जाम है, मैं क्या करूं, सिर्फ पीसी से क्वेश्चन पेपर चुरा लिया है मैंने। हे भगवान। सारे बच्चों को बता दो। हाय सुपनजोत, गुड इवनिंग बच्चा। अच्छा सुपनजोत, कल आपका काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, 3:00, प्लीज ज्वाइन द सेशन। न्यू टेंथीज के लिए सेशन होने वाला है, तो इसको मिस नहीं करने का है। ओके बच्चा। इट इज नॉट अ फिश, इट इज नॉट अ फिश यार, पौरी फेरा है। ठीक है अभी देखते हैं। हाँ वेरी गुड, आदर्श ने लिखा कि मैम ये फिश नहीं है। और अपने लीडर बोर्ड पे राशि, सार्थिका, टॉम और रिडल ने ओ माय गॉड, नाउ दिस इज अ गेम चेंजर मेंटी क्विज हियर। सबको लग रहा था कि राशि विनर है, बट अर्चना इज द विनर हियर। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड। मतलब आपने तुक्के लगा लगा के आपने इधर विन कर लिया। सम्यक ऑन द सेकंड पोजीशन, राशि ऑन द थर्ड पोजीशन, देन वी हैव पता नहीं ऑन द फोर्थ पोजीशन, देन वी हैव सार्थिका, देन वी हैव टॉम, देन वी हैव टेड यानी कि तान्या, जो कि मुझे पता था वो तान्या है, देन वी हैव oh my god, then we have Sai, Ronald और Elma as Harry. Ma'am, you know? Hey भगवान, ये कौन बच्चा है? Ma'am, दोनों में one, oh my god, आज तान्या मतलब, sorry, आज अर्चना ने मतलब क्या ही वो खा कर आई है सेशन में, खूब बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। वेरी गुड यार, वेरी गुड एवरी वन, काफी बढ़िया था। हाँ स्मॉल कोरोना हो गया, मारूंगी ना, हमेशा ऐसी बुरे बातें बोलो। अच्छा जो क्लास 10th के न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो 9th से 10th में भी जा रहे हैं, उन बच्चों का सेशन है 3:00। कल मैं 10th के बच्चों को छुट्टी दे रही हूँ, तो आप लोग एंजॉय करो, उसके बाद आपका सेशन वापस से शुरू हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर क्लास 10th के बच्चे काफ़ी आतुर है पढ़ने के लिए, तो मैं उनके लिए, मैम आपको सब पता है यार, मुझे सब पता है यार, ओ माय गॉड, मेरा फ़ोन गिरने वाला था वापस से। ओके सुपनजोत, एकदम स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन को, मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना, अपने अपने पर्सनल ग्रुप पे, अपने अपने फेसबुक पे, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो करते रहना बच्चावाड़ी। सो सी यू गाइस टुमारो एट 3:00, एंड टिल देन एंजॉय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ठीक है बच्चा लोग, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। वी डोंट रिक्वायर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन के लिए ले लो यार। चलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन, प्लीज लाइक द सेशन इफ यू हैवंट लाइक द सेशन, एंड कीप ऑन शेयरिंग विद मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय एंड बाय।